हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। हमारे रुचि इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज हम स्टीयर केस वायरिंग की सीखेंगे कि स्टीयर केस वायरिंग कैसे करते हैं, एक किधर यूज होता है। स्टीयर केस वायरिंग एक्चुअली हम लोग सीढ़ी के अंदर, लॉबी के अंदर, गैलरी के अंदर और सुरंग वायरिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका काम होता है कि हम एक बार लाइट को चालू कर देंगे और छोड़ देंगे, ऑटोमेटिक वो टाइम डिले के हिसाब से ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, ठीक है। हमको वापस ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं, एक बार ऑन कर दिए फिर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए, ठीक है। चलो फिर हम डायरेक्ट ड्रॉइंग के माध्यम से समझ लेते हैं, फिर वह वायरिंग करके चेक करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम ड्राइंग के माध्यम से सीखेंगे स्टेयर केस टाइमर वायरिंग कैसे करते हैं। नेक्स्ट हम लाइव टेस्ट करके वायरिंग करके आपको बताऊंगा कि स्टेयर केस वायरिंग कैसे करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, फर्स्ट हम इधर से 230 सप्लाई लेंगे, 230 सप्लाई लेंगे, फेस और न्यूट्रल लेंगे और फेस वायर हमारा यहाँ से निकल के ये टाइमर का एल पॉइंट में चला जाएगा। दूसरा हमारा पॉइंट टूट के यहाँ से स्विच के में हमारा जो पुश बटन लगा हुआ है, ये पुश बटन आप कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा बेल पुश बटन रहता है, वो बेल पुश बटन भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो हमारा दूसरा पुश बटन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये 1 2 3 मैंने पुश बटन यूज किया है, ठीक है। ये फेस वायर हमारा इधर से इधर चला गया, देख सकते हैं आप, ये लाइन में चला गया। 230 सप्लाई इधर से उठाए हैं, ठीक है। आप चाहे तो आप एक फ्यूज यूज कर सकते हैं, फ्यूज के माध्यम से आप ले सकते हैं, ठीक है। फ्यूज के थ्रू आप फिर सप्लाई ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर इधर से उठाएंगे सीधा, ऐसे घूमते हुए जाके हमारा इसका एक न्यूट्रल का पॉइंट में चला जाएगा। बाद में हमारे इधर से उठते हुए ये हमारा ये लैंप, ये इंडिकेशन लैंप है, ये लैंप जो बल्ब रहेगा हमारा बल्ब का एक न्यूट्रल पॉइंट में चला जाएगा। तीन लैंप है तो तीन लैंप का तीनों पॉइंट में लग जाएगा, ठीक है। बाद में जो हमारा इसमें टाइमर का जो दूसरा पॉइंट होता है, ये फोर नंबर देख सकते हैं, फोर नंबर का वायर जो उठेगा सीधा हमारा लैंप में चला जाएगा, ठीक है। इधर से निकाल के फोर नंबर वायर सीधा लैंप में, तीनों लैंप में लग जाएगा। मतलब आप एक भी लैंप यूज कर सकते हैं, नहीं तो तीनों लैंप भी यूज कर सकते हैं, तीन चार पाँच। एक्चुअली ये किसके लिए यूज करते हैं आपको फर्स्ट थोड़ा बेसिक में बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपका लॉबी है, गैलरी है, सुरंग वायरिंग है, तो आप उधर से एक पुश बटन इधर से ऑन करेंगे, फिर बाद में एक बार पुश करके छोड़ देंगे, जस्ट इसको पुश करके छोड़ देंगे, तो फिर बाद में हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा और टाइमर हमारा जितना टाइम इसमें सेट करेंगे वो टाइम के हिसाब से 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, उतना टाइम के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। आपको दोबारा बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार इसको स्विच को पुश कर देंगे, पुश करने के बाद में ये इंडिकेशन लैंप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ठीक है। अब ये चार नंबर जो पॉइंट है, ये चार नंबर से सीधा हमारा इंडिकेशन लैंप में चला जाएगा तीन लैंप में, ठीक है। ये जो बी पॉइंट है, इसमें और एक पॉइंट रहता है बी पॉइंट, ये बी पॉइंट से निकल के हमारा ये स्विच में चला जाएगा। दूसरा स्विच में दो पॉइंट रहता है, कोई भी स्विच के अंदर दो पॉइंट रहता है। पुश बटन हम यूज करेंगे, जो बेल पुश बटन होता है, जो एक बार प्रेस करने के टाइम में फिर दोबारा रिटर्न आ जाता है, मतलब होल्ड नहीं होता है, एक बार जस्ट प्रेस होता है। प्रेस करने का मीन्स मतलब क्या है, इसको अगर हमारा फेस सप्लाई इधर आ रहा है, ठीक है, फेस सप्लाई हमारा इधर आ रहा है, फेस सप्लाई हमारे इधर आने के बाद में इसको एक बार प्रेस करेंगे तो ये सप्लाई यहाँ पर पहुँच जाएगा। यहाँ पर पहुँचने के बाद में क्या होगा कि जो टाइम सेट करे रहेंगे हम लोग, वो सेट वो टाइम्स के हिसाब से हमारा ये सप्लाई इसमें मिलेगा, वो सप्लाई इसके थ्रू हमारा इंडिकेशन लैंप में चला जाएगा। इंडिकेशन लैंप में जाने के बाद में जो टाइम सेट किए रहेंगे उतना टाइम तक ये हमारा बल्ब ऑन रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये वायरिंग आप समझ गए होंगे, ठीक है। जो भी वायरिंग, जो बेसिक नॉर्मल वायरिंग है, हमारा कोई भी वीडियो में आपको ड्रोन के हिसाब से भी मिलता है और लाइव टेस्ट करके भी मिलता है, हमारा कोई भी वीडियो आप उठा कर देख सकते हैं, ठीक है। हमारे चैनल पर इसी प्रकार का वीडियो मिलता रहेगा आपको, ठीक है। चलो फिर मैं आगे वायरिंग करके और आपको लाइव टेस्ट करके मैं बताता हूँ, ठीक है, कैसे कैसे स्टेयर केस का वायरिंग करते हैं और उसको टेस्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है। वीडियो में बने रहे आप। देखिए, मैंने जो ड्राइंग के हिसाब से आपको बताया था उसे सेम से मैंने वायरिंग किया है, ठीक है। फेस और न्यूट्रल सप्लाई मैंने लिया है, फर्स्ट मैंने स्विच के अंदर दिया एक पॉइंट में, ठीक है, और ये मैंने एक टाइमर के अंदर दिया, ठीक है। स्विच का दूसरा पॉइंट से निकाल के मैंने जो टाइमर का बी पॉइंट बताया था उसमें मैंने एक वायर दिया है, ठीक है। जैसे मैंने ड्राइंग बनाया उसी हिसाब से मैंने वायरिंग किया है, ठीक है। ये न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल वायर एक टाइमर में चला गया और दूसरा न्यूट्रल वायर एक लैंप में चला गया। मैंने एक ही लैंप यूज किया है, ठीक है। आप चाहे तो ज़्यादा लैंप यूज कर सकते हैं। देखिए, न्यूट्रल का पॉइंट है, न्यूट्रल का पॉइंट निकल के डायरेक्ट हमारे इंडिकेशन लैंप में चला गया। फेस और न्यूट्रल डायरेक्ट मैंने एक सप्लाई लिया हुआ है, ठीक है।
और एक नॉर्मल स्विच मैंने यूज किया। आप इसके लिए आप पुश बटन यूज करेंगे तो ईजी रहेगा आपको, ठीक है। पुश बटन चाहे बेल पुश बटन रहता है उसके थ्रू भी यूज कर सकते हैं। स्विच है हमारा, देखिए टाइमर के डायरेक्ट मोड में चल रहा है, अभी नीचे करेंगे तो डायरेक्ट ऑन हो जाएगा लैंप हमारा, और ऊपर की तरफ कर देंगे तो टाइमर के हिसाब से चलेगा। जितना हमने टाइम सेट करना है वो सेट कर देंगे तो वो टाइम के हिसाब से एक बार स्विच पुश करेंगे तो ये देखिए हमारा टाइम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे करके जितना टाइम चाहिए उतना सेट कर सकते हैं, ठीक है। स्विच मैंने एक बार पुश करके छोड़ देंगे तो पुश बटन हमारे पास नहीं है, मैंने स्विच यूज किया। एक बार देखिए ऑन हो गया, फिर मैं स्विच को ऑफ कर दे रहा हूँ। ऑफ करने के बाद में ये टाइम हमारा टाइम जितना सेट किया वो टाइम के हिसाब से ऑटोमेटिक लैंप ऑन ऑफ हो जाएगा। अभी ऑन कंडीशन में देखिए, सपोज मैंने अपने गैलरी में गया स्विच ऑन कर दिया, फिर थोड़ा टाइम के बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, आप देखेंगे ऐसा सेम टाइमर है, ठीक है। आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।